गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह, जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी कलकत्ता की। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी कलकत्ता नगर में चले गए। आगे देख के नगर में बीमारी फैली हुई है, राजा भी बीमार है। तब लोगों ने कहा, हे महाराज, आप हमारी इस बीमारी को देखो, हम सभी दुखी हो रहे हैं। गुरु जी ने आने की खबर तमाम नगर में दी गई। तब अनेक नगर नारी गुरु जी के पास आने लगे, अनेकों को सुख शांति प्राप्त होने लगी। यह खबर राजा को भी हुई। तब राजा भी पालकी में बैठकर दर्शनों को आया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, मेरे पेट में दर्द रहता है, आप कृपा करके मेरा रोग दूर करो। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चरित किया, राग भैरव अष्टपदिया, महला पहला घरो दूसरा, अत्तम मही राम रामू, मही अत्तमु चीनी, गुरु बिचारा अमृत बानी, सब दिपछानी, दुख कटे हो मारा। वार्ता। श्री गुरु जी ने कहा, हे राजन, आत्मा ही राम का निवास है, उसे पहचानो। और हे राजन, पूर्ण गुरु धारण करो, जिससे तुम्हारा सभी रोग दूर होगा। गुरु बाणी का जाप करो, मन में सत्य को स्थान दो, सदैव अपने मन को निर्मल रखो, तब तुम्हारा सभी रोग दूर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा गुरुजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, आप मुझ पर भी कृपा करके अपना सेवक बनाओ। यह कहकर राजा गुरुजी के सेवक बन गए। उसके तमाम रोग जाते रहे। नगर निवासी भी श्री गुरुजी के सेवक बने। नगर से बीमारी सभी दूर हो गई। सभी लोग प्रभु कीर्तन आदि शुभ गुणों को धारण करने लगे। राजा ने एक अति सुंदर धर्मशाला बनवाई तथा गुरुजी की अपार कृपा से गुरुबाणी का प्रवाह चलने लगा। फिर गुरुजी ने राजा को परम पवित्र उपदेश दिया। एक दिन वह एक सन्यासी आ गया, जिसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, हाथ में डंडा और कमंडल था, धोती गमछा और शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। वह साधु गुरुजी के पास आकर कहने लगा, आप कौन हो? आपने तो विष्णु महेश आदि का पूजन हटाकर वाहे गुरु का स्मरण सिखाना अपना ध्येय बना रखा है। गुरुजी ने सन्यासी की बात सुनकर मर्दाना को कहा, हे मर्दाना, जरा रबाब तो बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। गुरुजी ने एक शब्द उच्चरित किया, राग भैरव महला पहला, जग न होम पुत्र तप, पूजा देही दुखी नित दुख सहे, राम नाम बिन मुक्त न पवसी, मुक्त नाम गुरु मुख रहे, राम नाम बिना बिरते सब जन्मा, विष खावे बिस बोली, बोले बिन नावे निहफल, मर ब्रह्म ना रहाओ। वार्तात। जब यह शब्द गुरुजी के पवित्र मुख द्वारा सुना, तब यह सन्यासी गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपका हूँ, जैसे आप मुझे रखो वैसे ही रहूँगा। तब गुरुजी ने उस सन्यासी को उपदेश दिया, हे संत जी, बगैर प्रभु नाम के कभी मुक्ति नहीं होती। उस सन्यासी ने कहा, आप मेरे गुरु हो,
गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तुम पर परमात्मा प्रसन्न है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा को फिर उपदेश करके गुरु जी वहाँ से चलते बने। वहाँ के निवासी गुरु जी के वियोग में दुखी होने लगे, परंतु संसार को एक दृष्टि देखने वाले पूर्ण गुरु एक ही स्थान पर न रहकर वहाँ से विदा हुए, क्योंकि आपने सारे संसार का कल्याण करना था। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो। जैसे हमने ये साकी में भी सुना कि नाम के बिना मुक्ति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहे गुरु सिमरन करो, चीतो राम सिमरन करो, जिसमें आपको संतोष आए, जो आपको अच्छा लग रहा है, उस वो भगवान का नाम जपो, बट जपो। नाम के बिना मुक्ति नहीं है, वरना फिर से वही 84 लख जोनी। एक एक जोनी भुगतने के लिए 4 4 युग लग जाते हैं। जिस तरीके से एक पहाड़ की जोनी, वो भी एक तरीके से जोनी है, वो भुगतने के लिए कई युग लग जाते हैं, उसके बाद दूसरी जोनी मिलती है। ऐसे 84 लाख जोनियाँ हैं। तो आप ही सोचो, ये जोनी में जाने से बेहतर कि हम प्रभु का नाम सिमरन करें, प्रभु के नाम में जुड़ जाए। हमें मनुष्य जन्म ही 84 लाख जोनी भोगने के बाद मिला है, जो लास्ट स्टेप है या आखिरी पायरी है। यह एक ऐसा जन्म है जिसमें हम गुरुदेव भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। हम इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 तक का है। अमृत वेला भी संभालना है, दिन में भी गुरु का नाम जप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जप करो गुरु का नाम। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक खुशी भी सच। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।